हाय दोस्तों, मैं हूं अशोक कुमार। यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रोकेयर में आप लोगों का स्वागत है। आज हमारे पास एक एलजी इन्वर्टर एसी का पीसीबी आया है सिंगल डोर, जो कि बहुत बुरी हालत में। तो चलिए बनाते हैं। दोस्तों, आज हमारे पास एक एलजी इन्वर्टर फ्रिज का पीसीबी आया है जो सिंगल डोर का है। एक्चुअली ये दूसरा टेक्नीशियन के पास गया था बनने के लिए, मतलब ऐसी पीसीबी बनाने वाला, पीसीबी बनाने वाला पर्टिकुलर उसके पास गया था। तो वो क्या किया है देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ पीसीबी का हालत क्या है। यहाँ से इंडक्टर को निकाल के रख दिया है और पावर आईसी को निकाल के रख दिया है। मतलब देख लीजिए, ये इंडक्टर, इसीलिए मैं बोला ये एक्चुअली पर्टिकुलर ये पीसीबी में एसएमपीएस ट्रांसफार्मर आपको नहीं मिलेगा। ये इंडक्टर के थ्रू यहाँ पे वोल्टेज बनता है, जितना ही वोल्ट हो, 5 वोल्ट हो, 12 वोल्ट हो, 15 वोल्ट हो, जो भी वोल्ट हो, ये इंडक्टर के थ्रू बनता है। तो इंडक्टर को और आईसी को निकाल के रख दिया है। तो हमारे पास बनने आए हैं, तो अब तो हम बनाएंगे इसको। तो कैसे बनाएंगे, हम ये एक एसी का पीसीबी से निकालेंगे, मोटर के लिए जो लाइन फिल्टर यूज होता है या इंडक्टर, उसी को यहाँ पे लगाएंगे यहीं पे, और एक पावर आईसी लगाएंगे, देखेंगे हमारा वोल्टेज बन रहा है कि नहीं। वोल्टेज बनने के बाद फिर हम उसी को ट्राई करेंगे या दूसरा कुछ करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। पहले तो हम वोल्टेज बनाने के लिए कोशिश करेंगे ये इंडक्टर लगा के। पर्टिकुलर हम ये नहीं लगाएंगे, दूसरा वाला लगाएंगे। तो चलिए पहले इंडक्टर और पावर आईसी लगाते हैं। देखिए दोस्तों, मैं इंडक्टर लगा दिया हूँ और इसमें हमको पावर आईसी लगाना पड़ेगा। तो एक्चुअली पावर आईसी का नंबर क्या मुझे भी पता नहीं है, तो उसके लिए हमको पिन फाइंड आउट पीसीबी से करना पड़ेगा। तो पहले हम पिन फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर उसके हिसाब से कौन सा लगेगा आईसी हम देखेंगे। तो चलिए, ये पहले से मैं ड्राइंग बना के रखा हूँ, ये देख लीजिए, ये हमारा एक नंबर पिन है। एक नंबर पिन हमारा इसमें क्या है, फीडबैक है। दो नंबर पिन ये है हमारा, जो हमारा वीसीसी है। चार नंबर पिन हमारा ड्रेन है, ड्रेन है। पांच नंबर, छह नंबर, सात नंबर हमारा सोर्स है, और आठ नंबर पिन हमारा बाईपास है। तो इस हिसाब से हम पिन फाइंड आउट करेंगे आईसी का भी। जो आईसी हमारा मैच करेगा ये पिन हिसाब से, हम वो आईसी यहाँ पे डालेंगे। फिर उसके बाद हम वोल्टेज चेक करेंगे हमारा वोल्टेज बन रहा है कि नहीं। तो ठीक है दोस्तों, मैं पहले आईसी निकाल लेता हूँ। दोस्तों, ये हमारा पीसीबी के पिन के हिसाब से हमारा ये एक आईसी हम निकाले हैं, जिसका नंबर है 5A464D। एक्चुअली मुझे पता नहीं ये इसमें मैच करेगा कि नहीं, क्यों ना इस टाइप का पीसीबी बहुत कम काम किया हूँ मैं। तो बहुत सारा पीसीबी आता है पर डे, तो इतना याद नहीं रहता। तो चलिए एक बार इसको लगाते हैं, अगर ये काम नहीं किया तो हम क्या करेंगे, इसमें इन्वर्सल पावर मॉड्यूल डालेंगे। हाँ, तो चलिए इसको पहले लगाते हैं, देखते हैं। दोस्तों, ये हमारा पावर आईसी लग गया है और इंडक्टर लग गया है, तो हम वोल्टेज चेक करेंगे इसमें। तो चलिए एक बार पावर देते हैं और देखते हैं हमारा पावर सप्लाई बन रहा है कि नहीं। दोस्तों, ये देख लीजिए, हमारा 15 वोल्ट बन रहा है रेगुलेटर के इनपुट में, जो कि मुझे एक्चुअली पता नहीं है ये कितना वोल्ट का एसएमपीएस में पावर सप्लाई बनता है, जो कि हमारा यहाँ पे 15 वोल्ट बन रहा है। तो हम एक बार रेगुलेटर का आउटपुट में देख लेते हैं कितना वोल्ट आ रहा है। देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा 5.06 वोल्ट बन रहा है आउटपुट में रेगुलेटर का। एक्चुअली इसमें कितना वोल्ट का पावर सप्लाई बनता है मुझे पता नहीं है, इसीलिए मैं बोला क्यों ना हमारा इंडक्टर नहीं था और हमारा पावर आईसी नहीं था। तो कंपनी के हिसाब से तो ये नहीं बनेगा, क्यों ना हमारा मर्जी से ये हम लगाए हैं।
तो दोस्तों हमारा तो पीसीबी चालू हो गया है, तो हम अभी क्या करेंगे, इसमें एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट मतलब हमारे पास तो कंप्रेसर नहीं है फ्रिज का, तो हम ये मॉड्यूल आज हम यूज नहीं करेंगे, समझ गए। हम इसमें और दूसरा कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसीलिए कि बहुत सारे टेक्नीशियन लोग बोलते हैं सारे इसको खोल के दिखाओ, बनाते हुए वीडियो बना के दिखाओ। भाई क्या क्या दिखाऊं आपको, डायग्राम दे दिया, इतना सब दे दिया, बता भी दिया, उसके बाद खोल के दिखाऊंगा, बना के दिखाऊंगा, ये सब बोलना क्या मतलब है बताओ। तो ये सब मत बनाओ आप, क्यों आपके हाथ में ये बनने वाला नहीं है, ऐसे बोलूँगा मैं। हाँ, हम आज इसमें UVW एक DC मोटर यूज करेंगे, जो हमारा आउटडोर में लगता है वही वाला PCB हम यूज करेंगे कंप्रेसर के जगह। तो चलिए देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा वही मोटर है UVW का। तो आज हम कंप्रेसर के जगह इसको यूज करेंगे। हाँ, और PCB में थोड़ा बात मैं बता देता हूँ, सैमसंग का ये LG का सिंगल डोर PCB को चलाने के लिए आपको कुछ चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे आपको इनपुट देना है, वही इनपुट यहाँ पे भी देना है आपको, यहीं पे जो पिन है यहाँ पे आपको देना है, और यहाँ पे जो तीन है, यहाँ पे जो तीन पिन वाला एक जैक है, यहाँ पे आपको ये बीच वाला और लेफ्ट साइड वाला में OLP लगाना है। अगर आपके पास OLP नहीं है, आप ऐसे डायरेक्ट कर दे सकते हो, नहीं तो एक NTC लगा सकते हो। और ये वाला जो होता है हमारा राइट साइड वाला पिन, ये हमारा अर्थिंग होता है, इसको छोड़ देना, ये दोनों को डायरेक्ट कर देना या NTC लगा देना। और यहाँ पे ये जो इनपुट है, ये इनपुट आपको यहाँ पे लगाना है। तो कैसे लगाना है बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे जो दोगे वही वाला, मान लीजिए यहाँ पे आप फेज दोगे तो यहाँ पे फेज देना है, और यहाँ पे न्यूट्रल दोगे तो यहाँ पे न्यूट्रल देना है बाई थ्रू थर्मोस्टार्ट होते हुए। तो हमारे पास थर्मोस्टार्ट तो नहीं है, हम डायरेक्ट दे देंगे, अभी दोनों ऐसे जंपर डाल देंगे, उसके बाद चालू करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा PCB चालू होता है कि नहीं, और मोटर चालू होता है कि नहीं कंप्रेसर के जगह हम जिसको यूज करेंगे। देख लीजिए दोस्तों, ये जंपर हम डाल दिए हैं, इनपुट में जो दिए हैं उसी को पर्टिकुलर यहाँ पे उठा के डाल दिए हैं। तो चलिए हम एक बार कंप्रेसर की जगह मोटर लगा के, ये वाला मोटर लगा के चेक करते हैं। देख लीजिए दोस्तों, हम ये मोटर कनेक्ट कर दिए हैं, हम अभी पावर देंगे। देख लीजिए दोस्तों, हम ये मोटर कनेक्ट कर दिए हैं कंप्रेसर के जगह, UVW के जगह, और ये हमारा मोटर है। तो चलिए एक बार हम पावर दे के देखते हैं हमारा PCB चालू हो रहा है कि नहीं, मोटर चालू हो रहा है कि नहीं। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे एक आपको एक छोटा सा LED लाइट मिलेगा देखने को, यहाँ पे ये एक बार चालू होके बंद होगा जब हम पावर देंगे, उसके 5 मिनट के बाद हमारा कंप्रेसर चालू होगा। तो एक बार देखते हैं चालू हो रहा है कि नहीं, देख लीजिए चालू होके बंद हो गया, मतलब हमारा PCB अभी रेडी हो गया। हम देखते हैं हमारा मोटर चालू हो रहा है। देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा मोटर चालू हो गया है, ये उसका ये जैक। मेरा ये वीडियो देना मकसद ये है कि आप अगर ये वाला मॉड्यूल बना नहीं पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस टाइप का एक मोटर खरीद के रख लो। हाँ, मार्केट में आसानी से मिल जाता है DC मोटर, UVW वाला जो हमारा आउटडोर में लगता है, हिटाची में, सैमसंग में, LG में भी लगता है वो वाला PCB, ये मोटर खरीद के रख लो। आप फ्रिज का PCB में यूज कर सकते हो, AC का PCB में भी यूज कर सकते हो, और वॉशिंग मशीन का PCB में भी यूज कर सकते हो। ओके दोस्तों,
और हम दूसरा एक वीडियो में देखेंगे कि एलजी में इस टाइप का पीसीबी में पावर सप्लाई कैसे बनता है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको डायग्राम के हिसाब से हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए उतना ही, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में दूसरा टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय।